बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम अहिम ज़ैनुल आबिदीन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की। दिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ तुर्की। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये उन्होंने अपना जो ऑफिशियल नेम है वो चेंज किया है। पहले तुर्की होता था, अब उसको तुर्की ये कहते हैं, तो उन्होंने चेंज करके अपना तुर्की ये चेंज किया। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि तुर्की की जो ग्रैंड नेशनल असेंबली है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। देर आर टू हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। बस इन तुर्की देर इज़ ओनली वन लेजिस्लेटिव बॉडी, नेमली इज ग्रैंड नेशनल असेंबली। दिस इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेचर। वहाँ पर एक ही हाउस है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1982 ऑफ रिपब्लिक ऑफ तुर्की, लेजिस्लेटिव बॉडी इज़ वेस्टेड इन द ग्रैंड नेशनल असेंबली। GNA इज़ ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की ऑन बिहाफ ऑफ द तुर्किश नेशन। दिस पावर शेल नॉट बी डेलीगेटेड। ये उनका आर्टिकल 7 जो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है। ग्रैंड नेशनल असेंबली इज़ अ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ तुर्की, फाउंडेड इन 23 अप्रैल 1920 इन अनकारा। तो ये एक वहाँ की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। और ये देर इज़ ओनली वन हाउस। आपको याद रखना है कि वहाँ क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगी बाइकैमरल लेजिस्लेचर, UK में आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगी, इंडिया में आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर मिलेगी। यानी टू हाउसेज होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। और पाकिस्तान में अपर हाउस क्या है, सेनेट है, और लोअर हाउस क्या है, पार्लियामेंट है। तुर्की के अंदर जो है वो एक ही हाउस है जिसको हम कहेंगे ग्रैंड नेशनल असेंबली। लेजिस्लेटिव पावर इज तुर्की इज वेस्टेड इन द यूनिकैमरल ग्रैंड नेशनल असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ 600 डेप्टीज। 600 मेंबर्स हैं ग्रैंड नेशनल असेंबली के, इलेक्टेड एवरी 5 ईयर्स। इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, टेन्योर क्या है, 5 ईयर्स होता है। अंडर द 1961 कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक, द ग्रैंड नेशनल असेंबली वॉज अ बाइकैमरल पार्लियामेंट विद 600 मेंबर्स। अच्छा, अंडर द 1961 कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनका ग्रैंड नेशनल असेंबली था वो उस वक्त बाइकैमरल था, यानी उनके भी टू हाउसेज होते थे। बट इन 1982 रिप्रेजेंट एन अटेम्प्ट टू अवॉइड द इम्बैलेंसेस एंड लीडरशिप चैलेंजेस दैट अकर्ड अंडर लार्ज बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स। क्या हुआ कि 1961 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका जो वहाँ पर पार्लियामेंट थे वो दो थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। बट क्या हुआ कि उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े, उनके जो है वो वहाँ पर क्या कहते हैं, इम्बैलेंस हुआ, लीडरशिप को थोड़ी चैलेंज होने शुरू हुए। तो उन्होंने क्या किया कि 1982 के दोबारा जो है वो उसके मुताबिक उन्होंने एक हाउस किया जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो वो ग्रैंड नेशनल असेंबली है। द नंबर ऑफ डेप्टीज वार रिड्यूस्ड टू 450, लेटर टू 550। अच्छा, उस वक्त इनके जो मेंबर्स थे, डेप्टीज थे, वो 450 थे, बट आफ्टर दैट 550 हो गए इन 1998 एंड फाइनली टू 600 इन 17। ठीक है, क्या हुआ कि 450 पहले थे, लेटर ऑन 1998 में 550 उन्होंने अपने डेप्टीज किए, बट इन 2017 एंड नाउ रिसेंटली दे आर 600 डेप्टीज इन ग्रैंड नेशनल असेंबली। अच्छा, हु इज़ एलिजिबल फॉर द मेंबर ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली, कि कौन जो है वो बंदा, कौन एलिजिबल है, कौन इसका मेंबर बन सकता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1982 ऑफ द रिपब्लिक ऑफ तुर्की, डेप्टीज रिप्रेजेंट द होल नेशन। यहाँ पर ये जो है रिप्रेजेंटिंग द नेशन, आर्टिकल 80 जो है वो कहता है। तो ये मैंने असल में कॉन्स्टिट्यूशन था, मैंने वहाँ से इसका पिक्चर लेके यहाँ पर पेस्ट किया। तो इसमें हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटिंग द नेशन के जो मेंबर्स हैं, डेप्टीज हैं, वो कौन हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं नेशन के। सिंस द 2017 रेफरेंडम के, 2017 में एक रेफरेंडम हुआ, एवरी तुर्किश सिटीजन ओवर द एज ऑफ 18 प्रीयर 2017 वाज 25, कि 2017 से पहले जो एज होती थी वो कम अज़ कम जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए। बट आफ्टर दैट इन 2017 आफ्टर द रेफरेंडम एवरी तुर्की सिटीजन ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज़ एलिजिबल टू बिकम अ डेप्टी, प्रोवाइडेड ही हैज़ कम्प्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन एंड हैज़ नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ अ सीरियस क्राइम और डोंट गेट इन्वॉल्व सच एज आइडियोलॉजिकल एंड अनार्चिस्ट एक्टिविटीज़। के कम अज़ कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और किसी भी
सीरियस क्राइम के अंदर उसका कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी सीरियस क्राइम के अंदर मुबतला नहीं होना चाहिए। एंड डोंट गेट इन्वॉल्व इन आइडियोलॉजिकल एंड अनार्ची स्टेट, किसी भी इंतशार में, कोई भी ऐसी इंतशार वाली एक्टिविटी हो, कोई भी नज़रियाती वाली एक्टिविटी हो, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ एलिजिबल फॉर द मेम्बर ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली। मेल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी होनी चाहिए। मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज सिविल सर्वेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, याद रखिए, मेंबर ऑफ द हायर जुडिशरी, मेंबर्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो सिविल सर्वेंट्स हैं एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस मस्ट रिजाइन फॉर देयर पोस्ट बिफोर स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। अगर उन्होंने इलेक्शन के लिए आना है तो उनको अपनी जो पोस्ट है उससे रिज़ाइन करना होगा, रेजिग्नेशन देना होगा, तभी जाके वो एलिजिबल होंगे। कंपोजिशन देखते हैं जी। ग्रैंड नेशनल असेंबली इज़ अ यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर, आपको मैंने पहले बताया। इट कंसिस्ट ऑफ 600 मेंबर्स, मैंने आपको पहले बताया। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, टेन्योर इज 5 ईयर्स। डिस्क्वालिफिकेशन, किस बात पे डिस्क्वालिफिकेशन है उनकी? नो प्राइमरी एजुकेशन नहीं है। इफ़ अ पर्सन इन्वॉल्व इन कोर्ट पनिशमेंट, इफ़ अ पर्सन हु डिस्क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड बाय द पब्लिक सर्विसेज एंड नो मिली। अच्छा, ये बहुत अच्छा मतलब एक पॉइंट है, मैं जहाँ तक लगे कि हर बंदा जो है वहाँ उनको वो मिलिट्री सर्विस देते हैं, जाहिर सी बात है कि इतना इस काबिल होना चाहिए कि उसको ये चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेशन, आर्टिकल 80 ऑफ द 1982 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ तुर्की डील्स विद द मेंबर्स ऑफ द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की शैल नॉट रिप्रेजेंट देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बट द नेशन एज अ होल। ठीक है, तो आपको पता चले कि जो नेशन जितनी भी है ये उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ओथ टेकिंग के मतलब ओथ उनका क्या प्रोसेस है, ये बेसिकली ये सारा ओथ है, नीचे लिखा, मैं आपको बस पढ़ के सुना देता हूँ कि मेंबर ऑफ द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की ऑन एज्यूमिंग ऑफिस शैल टेक द फॉलोइंग ओथ। जब भी उन्होंने कोई ऑफिस जो है उसको होल्ड करना है तो उससे पहले ये ओथ लेते हैं। आई स्वेयर अपॉन माई ऑनर एंड इंटेग्रिटी बिफोर द ग्रेट टर्किश नेशन टू सेव गॉड द एग्जिस्टेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट, इंडिविजिबल इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड द नेशन एंड द एब्सोल्यूट सॉवरेंटी ऑफ द नेशन, टू रिमेन लॉयल टू द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। देखें कितना अच्छे पार्ट, टू द डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर रिपब्लिक एंड टू अतातुर्क प्रिंसिपल्स एंड रिफॉर्म्स। याद रखिए, अतातुर्क जो है वो इनका जो है वो वहाँ का क्या कहते हैं फाउंडर है तुर्की का, इससे पहले वहाँ पर ओटोमन अम्पायर थी। तो बेसिकली अब एक ये सेकुलर स्टेट है, तो यहाँ पर इसीलिए वो कहते हैं कि हम अतातुर्क की जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हम जो है वो उसके ऊपर काम करेंगे। एंड टू डिविएट फ्रॉम द आइडियल अकॉर्डिंग टू विच एवरी वन इज़ इंटाइटल्ड टू इंजॉय ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर द नोशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन सोसाइटी, नेशनल सॉलिडेरिटी एंड जस्टिस एंड लॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ का जो सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा क्या है, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पर हमारे जो सुप्रीमेसी ऑफ अल्लाह है। तो बेसिकली दिस सेकुलर स्टेट, मुस्लिम तो है बस, बट इट इज़ सेकुलर। तो सो ये जो है फिर वो उस आप देखा ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी वन इज़ इंटाइटल्ड टू इंजॉय ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। तो यहाँ पर रिलीजन की कोई बात नहीं की गई, मतलब क्या है कि स्टेट को जो है रिलीजन की फ्रीडम है वहाँ पर, लेकिन स्टेट को किसी भी मज़हब से कोई जो है वो काम नहीं है, अपना कोई मतलब नहीं है कि कोई भी स्टेट का कोई मतलब नहीं है, स्टेट इज़ अ सेकुलर। तो ये एक ओ था जो भी अगर कोई भी पर्सन जो है या कोई भी ऐसा बंदा अगर वो ऑफिस जो है उसको होल्ड करता है तो बिफोर ये उससे ओथ लिया जाएगा। अगर पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो बहुत सी पावर्स हैं, मैंने कुछ यहाँ पर चंद लिखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि लेजिस्लेटिव और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के किस तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स के पता आपको क्या है कि ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, तो कोई भी लॉ बनाना हो, बिल्स बनाने हो, बजट बिल हो गया, कुछ भी होगा, तो सारी इनकी पावर्स हैं। इफेक्टिव पावर्स भी इनके पास हैं, ये जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी लेके आ सकते हैं, कंट्रोल द फाइनेंस है, जुडिशियल पावर्स है, इनेक्टिंग अमेंडिंग या रिप्लेसिंग द लॉ है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ अगर करनी है तो वो इनके पास पावर है। यही जो है वो अगर आपने बैन अलावा कोई भी माहिदा या कोई भी तजारत का कोई भी कुछ ना कुछ करना है तो ये देखती है उसको, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बजट बिल्स बनाती है, डिसाइडिंग ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ वार, अगर कोई वार एंड पीस का कोई इशू आ गया तो ये उस पर जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेगी, इलेक्टिंग द चीफ अम्बुड्स पर्सन, तो इलेक्टेड एंड इम्पीच द प्रेजिडेंट, अगर प्रेजिडेंट को इलेक्ट करना है या उसकी इम्पीचमेंट करनी है तो यही जो है वो सारा काम करती है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ
ग्रैंड नेशनल असेंबली, दीज आर द पावर्स ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली। बहुत सी और पावर्स हैं, मैंने बस मेन मेन जो है वो यहाँ पर लिखनी है, तो ये आपके लिए काफ़ी होंगी। आज का हमारा जो लेक्चर था वो था ग्रैंड नेशनल असेंबली। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।